नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े। चलिए रुक कर लेते हैं कुछ खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी ऐसे धार्मिक स्थल पर जाती रहती है, चाहे वो स्थान किसी भी धर्म के हो। साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि माता कौशल्या के मंदिर की और भारतीय जनता पार्टी का ध्यान तक नहीं गया। वहीं मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे को लेकर होने के बाद सारे मंत्रियों को पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बधाइयां दी हैं। साथ ही ट्रेनों के रद्द होने पर कहा कि अब तो प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, फिर भी प्रदेश में ट्रेनें रद्द हो रही है। जितने भी आस्था के केंद्र हैं उसमें सब जाते ही रहे, चाहे आदिवासियों का आस्था के केंद्र हो, चाहे हिंदुओं को हो, चाहे वो सिखों का हो, चाहे वो जैनियों का हो, चाहे बौद्धिस्ट को हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सभी जगह जहां आमंत्रित होते हैं वहां जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। सभी मंत्रियों को बधाई देता हूं और जो जो जिम्मेदारी मिली है उसका निर्वहन करेंगे। और बहुत सारे जो 3-4 नेता जिनके साथ हम लोग पहले भी मंत्री रहे, उनके तो परफॉर्मेंस हम लोग जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है। लेकिन जो नए बने हैं, उनको जो पहली बार विधायक बने हैं, पहली बार मंत्री बने हैं, उसको परफॉर्मेंस दिखाना होगा। और हम सब बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे हैं जो अपने वादे लेकर गए थे जनता के बीच में और जिसके कारण से जीत हासिल हुई है, उसे जल्दी से जल्दी वो लोग लागू करें ताकि आम जनता पर अच्छा प्रभाव पड़े। हम तो डबल इंजन की सरकार है,